नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल MS Knowledge Hub में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये भारतीय इतिहास की जो सीरीज है उसकी तीसरी वीडियो है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका इसमें मैंने ब्यौरा दिया है आपको। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से परीक्षाओं में 1 से 2 या 2 से 3 प्रश्न हर बार हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, महावीर स्वामी हैं उनके जो अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो ये चंदेल शासकों ने कराया था। जैन धर्म में किसकी मान्यता है और किसकी नहीं है? तो जैन धर्म में जो आत्मा की मान्यता तो है, परंतु ईश्वर की मान्यता जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? तो ये सांख्य दर्शन से इन्होंने ग्रहण किया। और बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, उसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता नहीं है, परंतु पुनर्जन्म की मान्यता बौद्ध धर्म में है। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर में किससे शिक्षा ली? तो ये रुद्रक रामपुत्र से ली थी। और बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो बुद्ध के जो प्रमुख अनुयायी थे वे बिम्बिसार, प्रसन्नजीत और उदय। जैन साहित्य का संकलन प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये देवदत्त। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये मखली गोसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो ये हिंदू यूनानियों का योगदान इसमें सबसे अधिक है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सातवुतों ने प्रारंभ की थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का, ये स्यादवाद जो सिद्धांत है ये जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कल्प सूत्र के रचयिता थे व्रजबाहु। एकांतरवाद किसका क्रोड़ीय केंद्रित सिद्धांत एवं दर्शन है? ये जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्त का विषय किसके संबंधित है तो, और किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली के लिए संबंधित है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये बलवी में हुआ था। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ये सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूल बृहद। जैन तीर्थक पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा गया? ब्रह्मचार्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। तिर्यतन सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म से महिमा, ये किस धर्म से संबंधित है या किस धर्म की ये महिमा है? तो ये जैन धर्म से। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चालुक्यों ने और सोलंकियों ने करवाया था। किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। महावीर स्वामी के जन्म किस क्षेत्र और गोत्र में हुआ था? तो ये जांत्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर स्वामी की जो माता का नाम क्या था? त्रिशला। और महावीर स्वामी का जो मूल नाम था वो वर्धमान था। और महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई? पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थक थे? तो इसमें 24 तीर्थक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थांकर थे? ये 24वें नंबर के थे। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र। बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन है? घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ये कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? पाली। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये 536 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में बताता है? तो ये जातक है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का।
बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण में या मृत्यु प्राप्त किया? तो ये कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा, और बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बोध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। और नागार्जुन कौन थे? ये बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? ये बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो सारनाथ में दिया था। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? ये बौद्ध का। और सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बौद्ध गया में। और सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। किस नगर में बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई थी? तो ये प्रथम बौद्ध संगति या सभा हुई थी राजगृह में। और अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है ये धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय का वस्तु है। मिलिंद पर्णहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य समाधि के रूप में है? नागसेन और राजा मिलिंद। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को दोनों ही सही मानते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलमन में या कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो अलाल कलाम था। बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो बूढ़ा व्यक्ति देखकर, रोगी देखकर, और एक लाश देखकर, और एक सन्यासी को देखकर, ये चार उनके वैराग्य भावना उनके अंदर उत्पन्न हुई। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ मिले? तो ये श्रावस्ती में देखकर। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ है? विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। और किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था? ये अशोक के द्वारा किया गया था। बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना किस भाषा में की गई है? पाली में। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी सीरीज में हमारी और भी अभी वीडियो आने वाली है जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित है। उसके बाद भारत के भूगोल की मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज मेरी जल्दी ही खत्म होने वाली है और मैं पूरे भारत के जो इतिहास है इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा कम से कम वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखिए और नेक्स्ट वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फ्रेंड, जितने भी विद्यार्थी अभ्यर्थी आपके पास हैं उन तक वीडियो को पहुँचाएँ। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए आपको जो YouTube पर जाकर MS नॉलेज हब सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। विभिन्न प्रकार के प्लेलिस्ट हैं यहाँ पर, जैसे कि कंप्यूटर से CCC है और जो न्यू रिक्रूटमेंट है, चाहे करंट अफेयर और बायोग्राफी है, तो यह मैं इसके अनुरूप ही वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। आपको जिस सेक्शन में इंटरेस्ट है आप वहाँ से इसके वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।